तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था मेजर्स और सेंट्रल टेंडेंसी में ही अर्थमेटिक मीन पढ़ा था हम लोगों ने ठीक है तो अब आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है चैप्टर टेंथ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें हम लोग देखेंगे मीडियन एंड मोड को ठीक है तो इन चैप्टर्स को ध्यान से पढ़िएगा आते हैं ये क्वेश्चन इसमें से ठीक है तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग In that statistical series, there may be a value which is certainly located or which occurs most frequently in the series. ठीक है, statistical series में क्या होता है कि आ, हो सकता है कि कोई value जो कि centrally located है, या फिर वो क्या है बार-बार frequently series में occur हो रही है. This is known as central value of the series. जिसको क्या हमलोग central value of the series बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल फाइव फ्रेंड्स मूवीज रेस्पेक्टिवलीस्पेक्टिवलीफ्टीन इज देंट्रल वैल्यूरिजी वो क्या होगी हमारी central value हो ठीक है टेक अनादर एग्जाम्पल सपोज एटी आउट ऑफ हंड्रेड कस्टमर्स विजिटिंग शू शॉप शॉप बाय शूज ऑफ साइज एट देन एट अकर्स मोर फ्रिक्वेंटलीज हंड्रेड

ठीक है सीरीज के मिडल में मिल रही थी और सेकेंड एग्जांपल में क्या है जो एट है हमारा ठीक है इन द सेकंड एग्जांपल एट हैपन्स टू अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द सीरीज 80 टाइम्स आउट ऑफ 100 हेंस इट इज कॉल्ड मोड वैल्यू ठीक है तो इसलिए इसको मोड वैल्यू कहा जाए क्योंकि ये बार-बार अकर हो रहा है हेंस मीडियम एंड मोड आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजिशनल जो मीडियम एंड मोड होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजिशनल एवरेज होते हैं दिज आर कॉल्ड पोजिशनल एवरेज बिकॉज देयर वैल्यू इज वर्कड आउट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजिशन इन दस सीरीज ऐसे जो पोजिशनल एवरेज होते हैं इनको पोजिशनल एवरेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्या करते हैं कहीं ना कहीं अपनी पोजिशन की वजह से इनको आ, काम करते हैं ये ठीक है अपनी पोजीशन की वजह से काम करते हैं ये ठीक आगे बढ़ते हैं इसी में तो एंड मोड के अलावा कई सारे पोजिशनल एवरेज वहां पे और भी हैं एज इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग फ्लो चार्ट ठीक है in following flow chart, तो हम लोग फॉलोइंग फ्लो चार्ट देखेंगे ठीक है इसमें देखेंगे कौन कौन है ठीक है तो पोजिशन एवरेज में क्या क्या आता है हमारा मीडियन आता है ठीक है पार्टीशन वैल्यू आती है एंड मोड आता है ठीक तो अब पार्टीशन वैल्यू में क्या क्या आता है हमारा क्वार्टाइल आता है डिसाइल आता, आता है और परसेंटाइल आता है क्लियर है तो अभी हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं इस चैप्टर में मीडियन एंड मोड की ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मीडियन मीडियन से हम लोग स्टार्ट करेंगे

कि जो सीरीज की जो आधी वैल्यू होती है वो उसके ऊपर होती है और सीरीज की आधी वैल्यू उसके नीचे होती है ठीक है टू ऑफ ऑफ इफ हाइट अ स्टूडेंट ऑफ क्लास इज टू ऑल द बी आज टू स्टैंड इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टूडेंट्स मे बी आज टू सॉरी ऑफ देयर हाइट्स द स्टूडेंट फिगरिंग इन द मिडिल वुड बी टेकन एज देंट्रल आइटम ऑफ द सीरीज जो भी स्टूडेंट बीच में एकदम खड़ा होगा ठीक है वो क्या होगा सेंट्रल आइटम ऑफ द सीरीज हाइट ऑफ द स्टूडेंट वुड बी टेकन एज मीडियम मीडियम ठीक है तो जो हाइट होगी स्टूडेंट्स की उसको हम लोग एज मीडियम देखेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं इसी में अब इसी में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आता है स्टेप हमारा इफ एन ऑफ सीरीज टू बी एन नंबर अब अगर N जो है हमारा सीरीज का वो एक नंबर है ठीक है एन प्लस वन विल कम इन फ्रैक्शन जो एन प्लस वन अपॉइंट टू है वो किस में आ जाएगा हमारा फ्रैक्शन में आ जाएगा दस इफ द सीरीज इज फोर्ट एंड टेन एन प्लस वन अपॉइंट टू वु नॉट बी कंप्लीट नंबर ठीक है अब अगर यहाँ पे इवेंट वैल्यू आती है तो जो हम लोगों ने फॉर्मुला देखा टर्म वाला ठीक है उससे अगर यहाँ पर रखेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो कंप्लीट नंबर में नहीं आएगी बट इट वुड लाइक टू पॉइंट वैल्यू इन द सच केस मीडियन वैल्यू वुड बी द दर्थमैटिक मीन ऑफ द टू मिडिल वैल्यू ऑफ द सीरीज मीडियन वैल्यू ऑफ द साइज ऑफ टू पॉइंट फिफ्थ आइटम वुड बी लोकेटेड एज अंडर ठीक है मीडियन like क्या हो गया हमारा साइज ऑफ सेकेंड आइटम प्लस साइज ऑफ थर्ड आइटम अपॉइंट टू ठीक है तो साइज ऑफ टू पॉइंट क्या आ गया हमारा 10 12 2, तो 12 11 2, क्या हो गया हमारा median हो गया यहाँ पे ठीक है एन ऑफ द सीरीज इज इवन नंबर मीडियन इज एस्टिमेटेड ड्यूरिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला अगर इवन नंबर होता है तो क्या करते हैं हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं वो फॉर्मूला क्या है हमारा ये है टू uh, uh, कर, कर लेते हैं अब एक इलेट्रेशन है इसमें देखते हैं हम लोग किस तरीके से हमने मीडियन फाइंड किया है ठीक है फॉलोइंग सीरीज शो मार्क्स इन इकोनॉमिक्स ऑफ इलेवन स्टूडेंट्स क्लास इलेवे फाइंड द मीडियन मार्क अब यहाँ पे हमें मार्क्स दिए हुए हैं ठीक है मीडियन फाइन करना है हमें ठीक सबसे पहले क्या करेंगे उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने सीरीज को लगा लिया ठीक है जब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया ठीक है तो उससे हमें क्या मिल गया मीडियन निकालने को मिल जाएगा हमें ठीक है मीडियन के लिए क्या करेंगे सबसे पहले देखेंगे एन क्या है हमारा एन है इलेवन यहा क्योंकि हमें ऊपर दिया हुआ है तो नंबर ऑफ आइटम क्या हो गया हमारा एन इलेवन आ गया पे अब इलेवन जब आ गया हमारा तो इससे क्या किया हमने फॉर्मुले पे रख लिया फॉर्मले पे क्या रखा हम लोगों ने एम इज इक्वल टू अर्थ आइटम इज इक्वल टू इलेवन प्लस टू एर्थ आइटम तो साइज ऑफ सिक्स आइटम क्या आएगा हमारा तो सिक्स आइटम हमारा है दिस तो साइज कितनी है ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन क्या हो गया हमारा मीडियन वैल्यू हो गया क्लियर है ये ठीक है ये समझ में आया आप लोगों को आगे देखते हैं इसी में आज की वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से डिस्क ये तो इंडिविजुअल सीरीज हम लोगों ने देख लिया अब सीरीज का किस तरीके से हम लोग मीडियन वैल्यू निकालते हैं उसको नेक्स्ट हम लोग वीडियो में देखेंगे ठीक है